गया है और मेरे साथ एक दिक्कत हो गया है। ये फिसल रहा है, मिट्टी है ना, और इसके ऊपर चढ़ना है ऊपर में, देख। और इधर नीचे में खाई है भाई पूरा। तो जी गुड इवनिंग आप सभी जने को। और यार अभी इवनिंग के ना 5:30 हो गए हैं और मेरे साथ एक दिक्कत हो गया है कि यार जो मैं अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ लोनावना में, जो लोनावना करके एक जगह है ना वहाँ पे, और मैं पुणे से यहाँ तक आया और जितना वीडियो था ना भाई, अब क्या बताऊँ, वो जितना वीडियो था वो 4K में शूट हुआ था। और 4K पे भाई ये जो मोबाइल है ना, वीवो i11 है, 4K पे सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत बड़े दिक्कत हो गया यार। इतना सारा शूट किया था मैं, बहुत अच्छा अच्छा जगह, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मैं वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ यार, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या यार कैसा हो गया। अभी देख रहा हूँ तो कुछ भी शूट नहीं कर रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है इस मोबाइल पर। तो बाकी एक हम आज पेड़ भी लगाए थे, उसका भी वीडियो था, लेकिन सब ख़त्म भाई। अब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं बताओ। और कोई दूसरा मोबाइल होता तो सपोर्ट करता, रिकवरी करने का कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। तो इस वजह से आप सभी जने को बता दे रहा हूँ मैं कि अभी मैं फ़िलहाल लोनावना में हूँ और ये है गौठान। एक गौठान मतलब एक गार्डन जैसा है, और अपना हम सफर ना भाई उस साइड में खड़ा है इधर पे देखो, ये अपना हम सफ़र है, ये है गार्डन थोड़ा सा। लेकिन यार लोग यहाँ पे आके ना गंदगी करके रखे हैं, इधर देखो बहुत ज़्यादा गंदगी, ऐसा हम नहीं करना चाहिए गंदगी यार। और एक थोड़ा गार्डन है और यहाँ पे आए हैं हम, तो ये था आपको बताना था। बाकी कल एक हमारा एक कुछ चीज़ है, इवेंट है, तो हम मिलेंगे कल आपको। गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग, आज का गुड मॉर्निंग हो रहा है, ये है लोनावला। और मैं रात में रुका था भाई, वो इंजीनियर भाई लोग हैं उनके रूम पे, तो वो लोग को मैं शाम को दिखाऊंगा। बाकी आज कुछ अलग एडवेंचर होने वाला है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी ग्रुप के साथ मैं राइड कर रहा हूँ। वो ग्रुप को आप मिलवाता हूँ और वो एडवेंचर आपको देखने मिलेगा आगे ब्लॉग में। जब आप लोग ब्लॉग में देख रहे हो कितना खतरनाक साइकिल है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा साइकिल, क्योंकि मैं तो भाई देखा नहीं था ऐसा गियर वाल साइकिल देखा था लेकिन राइड नहीं किया था। बाकी ये सर लोग के साथ में राइड करने वाले हैं, और ये दादा से मेरे को मुलाकात हुआ था गोवा में। दादा आपका नाम? साईदीप धोंडगे। सो वी आर राइडिंग टुडे टू कोरीगढ़ फोर्ट, सो इट इज़ अ 40 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 3 किलोमीटर हाइक टू कोरीगढ़ फोर्ट। सो योगेश विल बी राइडिंग अलॉन्ग विथ अस टुडे। तो बाकी इनका ग्रुप का नाम है पेडल थर्स्ट एडवेंचर्स, हाँ पुणे का एक ग्रुप है। तो मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ राइड कर रहा हूँ। बाकी ये बाकी भाई दादा लोग हैं इनके साथ में राइड करने वाला है, और कुछ अलग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला हूँ इनसे साइकिलिंग के दौर पे, क्योंकि हमें तो उतना नॉलेज नहीं है। बाकी दादा लोग हैं, आप लोग हमें गाइड कीजिए बढ़िया। बाकी ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट दिस जर्नी। स्टार्ट, और बाकी आ रहे हैं पीछे और साइकिलिस्ट लोग, और जो संदीप दादा है अपने आगे चलते हुए। तो दादा को बहुत एक्सपीरियंस है साइकिलिंग का, बहुत जगह एडवेंचर वाला साइकिलिंग कर चुके हैं। तो आज हमें भी एडवेंचर करवाने लेके जा रहे हैं भाई साहब, ये मतलब आसान नहीं होने वाला है। और मैं फर्स्ट टाइम भाई जो गियर वाला साइकिल है उसमें राइड कर रहा हूँ भाई। मौसम भी हो गया है ख़राब, देख रहे हो। और इस मौसम में हम लोग जा रहे हैं राइड करने के लिए। ओ भाई साहब, सभी श्री कृष्ण लोग आ गए हैं।
ही मजा आ रहा है चलाने में मेरे को, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं साइकिल चला रहा हूं, क्योंकि मेरे को नॉर्मल चलाने का आदत है। देख रहे हैं ना कितना ऊपर है, और वो अपना हम सफर में होता तो यहाँ शायद ही चक पाता मैं। अभी हम सब लोग आ गए हैं, 9 किलोमीटर अभी चढ़ाई के हैं, बाकी अब फिर जा रहे हैं, तो चलते हैं टारगेट पॉइंट में अब सीधा, और दिखाते हैं कैसा है टारगेट पॉइंट। तो जी यहाँ लिखा है देखो, सेव द ट्री, मतलब पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, ये जरूरी है भाई। आप लोग भी पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और अपने जीवन बचाओ। और यहाँ देखो ऊपर में आ गए हम, कितना मस्त जगह है भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर पे ऐसे पहाड़ में। तो जी अपन लोग आ गए टारगेट पॉइंट, ये लोनावला का टारगेट पॉइंट। तो इधर पे व्यू चेक कीजिएगा इस, ये है टारगेट पॉइंट भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा है बताओ। ओहो देख रहे हो वहाँ पे पहाड़ है, और ये वाला जो पहाड़ है देखो एक ही खड़ा हुआ है। इधर पे बंदर वंदर बहुत है भाई, कैमरा वैमरा ले गया ना तो पता नहीं। और यहाँ पे बाकी सभी साइकिलिस्ट दादा लोग आ गए, बाकी इधर आ रहे हैं, और यहाँ पे अपना जो साइकिल है ये लगा हुआ है, पूरे सभी लोग आ गए हैं। और यहाँ पे भाई बहुत क्राउड है यार, मतलब लोनावला आते हैं ना तो यहाँ टारगेट पॉइंट आते हैं, बहुत फेमस जगह है, अगर आप भी लोनावला हो गए तो टारगेट पॉइंट आना। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे लोग ना गंदगी करके बहुत रखे हैं भाई, लोग साफ नहीं करते, अपना रेपर खुद भी फेंक देंगे तो दिक्कत नहीं है, बहुत गंदगी करके रखे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट दुकान उकान भी है, मार्केट वार्केट खाने पीने के लिए, ऊपर आके आप खा पी भी सकते हो। और देखें अपन फिर आगे और एडवेंचर करने के लिए, ऊपर में यार बहुत सारा मार्केट वार्केट बना है। गियर वाले साइकिल में ऐसे पहाड़ जगह में चल रहे हो तो जो गियर है ना उसको लूज़ करना है, अगर टाइट करोगे तो और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लूज़ में लगाना नहीं पड़ता है। धूप भी हो गया अच्छा से बढ़िया, अभी टाइम कितना है वो तो पता नहीं। और नीचे ढलान है, और इधर पे थोड़ा जंगल ही है, मतलब पहाड़ी में जंगल वाला एरिया है। तो जी यहाँ पे अपना साइकिल है, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ साइकिल रखा है, अभी करने वाला ट्रेकिंग, पहाड़ चढ़ेंगे, अभी चढ़ने वाला है पहाड़, तो उसके लिए पूरा तैयारी हो गया है एकदम, और साइकिल वाइकल भी लॉक हो गया है, और अपना गाड़ी भी आगे पूरा साइकिल लॉक कर दें, अब जा रहे हैं। तो जी हम जाने वाले हैं ऊपर, वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे एक झंडा है, उसी को टच करके आना है, लेकिन बहुत हिल है भाई चढ़ने में, देखते हैं अब जाके पहाड़ में कैसा पहाड़ है चढ़। तो जी हो गया है बारिश स्टार्ट, और हम इस बारिश में चढ़ने वाले हैं उस पहाड़ पर,
अभी अपन तो रिंग कोट पहन लिए हैं, बढ़िया से सभी लोग रिंग कोट पहन लिए हैं, अब चढ़ेंगे ऊपर। एडवेंचर में और एडवेंचर हो गया, बारिश भाई कतई जहर वाला बारिश हो रहा है, देख रहे हैं भाई साहब। और इसमें हम सभी लोग जा रहे हैं, देख सभी लोग, दादा भी एकदम तैयार फुल। और उस पहाड़ पे चढ़ना है, उस पहाड़ पे भाई, यहाँ यार बारिश हो गया ना तो यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाला है, देख रहे हो ना ये फिसल रहा है, मिट्टी है ना, और इसके ऊपर चढ़ना है ऊपर में, देख रहे हो कैसे फिसल, इधर पे पूरे लोग आ रहे हैं और पूरे फिसलते जा रहा है भाई। तो जी यहाँ से होता है सीढ़ी स्टार्ट, सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, अभी कितना दूर तक सीढ़ी है पता नहीं, और बारिश हो ही जा रहा है भाई। ओहो देख ऊपर चढ़ना है अभी, और यहाँ पे है गेट, कौन से सन में बना हो गए, अभी भी बना है क्या, पुराने जब बना क्या, अभी बनाया ना, अच्छा किला भी लगा क्या, रिनोवेशन किला ही है ये, अच्छा पूरी गढ़ वो। एक किला ही था भाई, देख रहे हम लोग आ गए सबसे ऊपर में, और यहाँ पे एक मंदिर है महादेव शंकर जी का, और यहाँ पे देखो तोप भी है भाई, पुराने जमाने वाला तोप, देख रहे तोप देखे हो कि नहीं, ये है तोप, ये पुराना जमाने का तोप है, और इसका एक गोला है, और यहाँ पे डालते थे, इधर से डालते थे, लेकिन ये अभी पूरा पेक है भाई, ऐसा है तोप। और ये है महादेव जी का मंदिर, जय हो भोले बाबा डमरू वाले, ऊपर में है भाई डमरू वाला, ये देख चार तोप है यहाँ पे। मतलब बहुत सारा है भाई, लेकिन धुआं है ना, फॉग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अभी जैसे हवा आते जा रहा है पूरा फॉग क्लियर होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे उस नीचे से झंडे का, तो हम आ गए झंडे को टच करने के लिए, देखो टच कर दिए भाई साहब। नीचे बोला था कि झंडे को छू के आएगा। और देख रहे हो यहाँ पे झंडा लहरा रहा है बहुत मस्त, और नीचे का व्यू चेक कीजिएगा इस भाई साहब, कतई जय कतई कतई मस्त लग रहा है, देख रहे हो पूरा बादल के ऊपर में अपन लोग, और पूरा जा रहा है भाई। तो जी अभी पूरा धुंधला हो गया क्लियर, और भाई साहब इधर कुछ बना नहीं है, और इधर नीचे में खाई है भाई पूरा खत बड़ा, देख रहे हो घर वर है, और उधर पे पूरा बादल छाया हुआ है, और इस तरफ पूरा व्यू कई मस्त लग रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊं। बाकी जी हम रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, ये छोटा सा ढाबा है, और यहाँ पे अपना साइकिल अब हो गया, अब जा रहे हैं फिर रिटर्न, तो जाएंगे उस तरफ फिर उसके बाद मिलते हैं आपको, यहाँ साइकिल वाइकल लॉक कर दिए, तो सामान वामान रखते हैं, पिकअप ही अपना पिकअप है, सामान वामान बेकअप के लिए, और यहाँ पे अपना पूरा साइकिल खड़ा है। तो देखो कितना भीड़ है भाई, गाड़ियों का लाइन लगे है, कार का इधर पे कितना भीड़ है, ये टारगेट पॉइंट है, जब हम अभी आते समय आए थे, जाते समय फिर एक बार आपको दिखाते हैं, अगर आप लोनावना आते हो तो टारगेट पॉइंट जरूर आना, बहुत मस्त है। टाइम और अच्छा होगा अंदर वन का, और ट्रेल ही काफी अच्छा है।
इस पर थोड़ा टफ है क्योंकि 30 किलोमीटर क्लाइंब है पसरनी घाट एंड उसके बाद 25 किलोमीटर डाउन है। गुड इवनिंग आप सभी जने को, यार मैं आ गया भाई लोग के रूम में और ये रूम है, दो रूम है और इधर पे सामने में देख रहा हुए है उनका कॉलेज इंजीनियरिंग का। और मैं कल दो दिन रुका था इनके पास में और आज फिर आ गया। सुबह समय यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, वहाँ स्टार्ट कर दिया था। तो बाकी हम गए थे आज जो पुणे के राइडर भाई, राइडर दादा लोग हैं, भैया लोग हैं, उनके साथ में राइड करने। तो भाई मज़ा बहुत आया यार, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत अलग लेवल वाला एडवेंचर था भाई साहब। ट्रैकिंग भी किए, साइकिलिंग भी किए, खाना पीना सब खाए, बहुत मज़ा आया। उन लोग के साथ बहुत सीखने को भी मिला और एक चीज़ मैं उनसे बहुत आगे निकल गया था, क्योंकि भाई मेरा साइकिल भाई नॉर्मल वाला, उनका साइकिल गियर वाला, तो मेरे को चलाने में बहुत आसानी हो रहा था, तो इस वजह से मैं आगे निकल गया। आते समय भी आगे निकला, बाकी वो लोग भी चले गए। सभी जो भाई लोग हैं उनसे भी मिलाते हैं। अब एक इधर पे भाई है, ये तो सोया है इधर पे। ओहो तो जी यहाँ पे है पूरे गैंग, ये भाई लोग हैं जिनके पास अपन रुके और पूरा भाई चिट्ठा खोल के बैठ गया क्योंकि इनका एग्ज़ाम है परसों। ये भाई है पंकज भाई और इधर पे पीयूष भाई और वो भाई से मैं नया मिल रहा हूँ। भाई आपका नाम? साई प्रसाद। साई प्रसाद, लड़के ही। अच्छा अच्छा और भाई वो अपने साधु भाई भाई का नाम थोड़ा सूरज है यार, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मेरा दोस्त का नाम भी सूरज है, लेकिन वो भाई है ना भाई पूरा मतलब मालाधारी है, पूरा देख रहे हो ना झंडधारी माला बन के पहन के बैठे हैं। तो बाकी भाई लोग का चल रहा है अभी पढ़ाई क्योंकि परसों है इनका एग्ज़ाम और ये सभी इंजीनियरिंग करने वाले हैं। और आपको पता है बैचलर रहते हैं तो रूम का हालत कैसा होगा, तो उस रूम पे मत जाना क्योंकि दिखाऊंगा भी नहीं कि किस तरीके से रहते हैं। तो अगर आप लोग भी बैचलर रहे होगे तो ऐसा रूम में रहे होगे, सही ना पंकज भाई? तो बाकी इनके पास मैं दो दिन हुआ, कल भी रुका था और आज भी रुकूंगा और कल मैं मॉर्निंग में चला जाऊंगा मुंबई। तो मुंबई जो मुंबई का वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी दबाओ, हो सके शेयर भी कर दो। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना गाइस, सेफ रहना। बाय बाय।